नमस्कार मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, कोई भी इंसान अगर रूठ गया है, नाराज हो गया है, उसे मनाने में, उसे वापस लाने में और समझाने में यदि आप असमर्थ हैं, कोई भी आपका प्रियजन हो सकता है, पति पत्नी में से कोई हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका में से कोई हो सकता है, भाई बहन हो सकती हैं, कोई और भी ऐसा रिश्ता, साथी मित्र कोई भी, और आप उनको वापस पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उनको मनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मित्रों, ऐसी समस्या को खत्म करने के लिए और उस अपने इंसान को वापस पाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए बड़ा ही सरल एक उपाय है, जिसे आप करें, वो इंसान जो आपसे नाराज है, आपसे रूठ रखा है, उल्टे पैर आपके पास वापस आएगा। यदि वो आपसे लड़ कर गया है, झगड़ कर गया है, आपकी कद्र नहीं करता, तो भी वो इंसान इतना बदल जाएगा कि आपकी इज्जत करेगा, आपकी कद्र करेगा इस उपाय को करके। मित्रों, थोड़े से नमक से होने वाला ये उपाय है, इस उपाय को आप करें और फिर देखें किस प्रकार से वो इंसान मात्र 3 दिनों में उसके अंदर आप बदलाव देख सकेंगे। बड़ा सरल सा उपाय है। उपाय को मित्रों आप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन में से एक दिन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने हाथ मुंह पैर एक बार अच्छे से धो लें और एक स्थान पर कोई भी कपड़ा आसन बिछाकर आप बैठ जाएं। उपाय करते समय अपने साथ आप एक कटोरी में थोड़ा सा नमक रखें, नमक रख लें ठीक ठाक, लगभग आधी कटोरी। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, एक अपने पास रखना है, या तो सफ़ेद कागज़ ले लें या आप सफ़ेद रंग का एक कपड़ा ले लें, रूमाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ठाक रखें। कागज़ रखें तो आप कॉपी का भी ले सकते हैं, आधा कागज़ फाड़ कर लें, पूरा कागज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, जो कागज़ है, जैसे वीडियो में शब्द दिखाए गए हैं, श्री अमलय तस्य, ये लिख देना है, श्री अमलय तस्य, नीचे उस मनुष्य का नाम लिख दें, मुख्य नाम तो मुख्य नाम ही लिखना है, लड़का हो लड़की हो जो कोई भी हो। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, उस कागज़ को, मित्रों जब आप कागज़ पर लिखेंगे, एक बात का विशेष ध्यान रखें, ज़मीन पर सीधा नहीं रखना है, किसी वस्तु के ऊपर रखें, कोई कॉपी किताब ले लें उसके ऊपर रख कर भी आप लिख सकते हैं, अन्य कोई वस्तु आपके पास हो उसके ऊपर रख कर लिखें। अब आपने इस कागज़ को मित्रों अपने उल्टे हाथ पर हथेली पर रख लेना है और उसके बाद आपने एक चुटकी नमक उठाना है अपने सीधे हाथ से। एक चुटकी आपने नमक उठाया और उसके बाद श्री अमलय तस्य, श्री अमलय तस्य, ये आपने 3 बार इस तरीके से बोला जब आपने एक चुटकी नमक उठाया। इस नमक को आप कागज पर रख दें, जिस पर आपने यही लिखा है मंत्र उस पर रख दें। दूसरा चुटकी उठाएं, फिर 3 बार बोलें इस पर रख दें। तीसरा चुटकी उठाएं, 3 बार बोलें रख दें। 3 बार ही आपने करना है। उसके बाद आपने ये जो कागज़ है इसको बंद कर लेना है, फोल्ड करना है, पुड़िया बना लें, घुमा कर कैसे भी बना लें, गोल बनाए, चौकोर बनाए, और अपने दोनों हाथों से ढक लें। ढकने के बाद आप उस इंसान को, जिसको भी आप चाहते हैं, जिससे भी आप अपने करीब लाना चाहते हैं, उस इंसान को सोचें, उसको विचारें, 15 सेकेंड 20 सेकेंड विचार लें। उसके बाद इस कागज़ की पुड़िया को उठाकर आप घर से बाहर निकलें। यदि आपके घर के पास कोई पीपल या नीम का पेड़ है, दो विकल्प हैं मित्रों, या तो पीपल का पेड़ हो या नीम का पेड़ हो, आप कहीं भी उसकी जड़ पर छोड़ दें। यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप इस नमक की पुड़िया को अपने पास घर में संभाल कर रखें और रात के समय घर की छत पर रख दें, किसी भी तरफ कहीं भी रख दें, और जब रखें तो किसी कटोरी आदि से ढक दें, खुला हुआ ना रखें जो पुड़िया है उसको, और उसके बाद उस पुड़िया को लेकर अगले दिन आप कहीं भी किसी खाली स्थान पर छोड़ें। बस मित्रों, इतना आप कर लें, ये जो कोई भी इंसान है वो आपके पास खुद वापस आ जाएगा, 3 दिन में आप इसका असर देख सकेंगे। अब दिन आज्ञा मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना।